हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो लोग वृंदावन मथुरा बरसाना जाना चाहते हैं और मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं, उनको क्या से वहां पे जाना होगा, कैसे वे रह सकते हैं, क्या वहां खाने की व्यवस्था है, तो इस सभी टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, इस वीडियो को देखने वाले अलग अलग जगह से होंगे, तो आपके यहाँ से रेलवे स्टेशन कहाँ है, कैसे जाना है, वो सब आपको देखना है। लेकिन आपको मथुरा जाने के लिए मथुरा जंक्शन स्टेशन पे उतर जाना है। वहाँ से उतरने के बाद में आपको मिलेगी, वहाँ से आपको ऑटो मिल सकती है बस स्टैंड के लिए, जो कि सिर्फ 400 या 500 मीटर की दूरी पर ही है। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी, यदि आप सबसे पहले बरसाना में जाना चाहते हैं, बरसाना में राधा रानी का मंदिर है, बहुत मंदिर है, मंदिरों की कोई कमी वहाँ पर नहीं है, आपको हर गली में 2-4 मंदिर मिल जाते हैं। लेकिन जो फेमस मंदिर हैं वो मैं 2-4 नाम यहाँ पे लूँगी, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बरसाना पहले जाना चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं, वहाँ से सिटी बस चलती है जो कि योगी जी ने चलाई है। तो वहाँ पे क्या है कि आप 15 रुपये में आप मथुरा से बरसाना या फिर आप वृंदावन जा सकते हैं आराम से, कोई महंगा चार्ज नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ तो अगर आप ऑटो वाले से मिलोगे और उनसे बात करोगे कि भाई कैसे रुकना है ये वो, तो वो आपको सीधे मथुरा के जो स्टेशन है वो उसके पास ले जाके खड़ा कर देंगे। वहाँ पे बहुत सारे होटल हैं जहाँ पे बोला जाएगा कि आपको सब जगह घूमना है, तो आप यहाँ पे एक होटल ले लीजिए, ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ से आप सब जगह घूम सकते हैं। जो कि वहाँ पे पीली बस है, योगी ने चलाई है, उसे 15 रुपये लगते हैं और आप हर जगह घूम सकते हैं। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सेंटर पॉइंट भले ही मथुरा है, लेकिन वहाँ से जो वृंदावन है वो कम से कम 20 से 22 किलोमीटर पड़ता है। बरसाना वहाँ से 32-35 के बीच में इतना किलोमीटर पड़ता है आराम से। तो अगर आप घूमना चाहते हैं और मंदिरों में से आप सुबह शाम घूम के क्योंकि मंदिर सिर्फ सुबह शाम ही खुलते हैं, अगर आप इतना घूम लेते हैं तो आपकी हिम्मत नहीं रहेगी कि आप फिर 20-25 किलोमीटर रात को 11 बजे के बाद या सुबह 5:30 से पहले जगह पर पहुँच जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि अगर आप बरसाना घूमना चाहते हैं तो आप सीधे बरसाना में एक होटल ले लीजिए, रूम ले लीजिए। आप जितने दिन स्टे करना चाहते हैं आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और आपको सीधे भी रूम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सीधे जाके कोई रूम लेंगे तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि होटल वाला समझ लेता है कि अनजान है, एकदम आया है, तो अपने आपको अपने हिसाब से बताएगा। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी, लेकिन धर्मशाला का भी चार्ज 500-700 रुपये आराम से होता है। और मैं आपसे आपको नॉन एसी चाहिए, एसी चाहिए, वो सब वहाँ पे अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मैं आपको सबसे एक ही पॉइंट जो सबसे खास है घूमने का, मैं वही बताना चाहूँगी कि आप एक जगह को टारगेट कर लीजिए। अगर आपको बरसाना घूमना है तो आप बरसाना जाइए और जितने दिन आप घूम सकते हैं, 1-2 दिन में आप सारा कवर कर लेंगे, 2 दिन मान के चलिए आप कवर कर लेंगे, तो 2 दिन के लिए स्टे कर लीजिए, वहीं पे होटल लीजिए जिससे कि आप घूमें और जल्दी से अपने होटल में आके आराम कर ले। सुबह को भी आपको दिक्कत ना हो और लेट रात को भी आपको दिक्कत ना हो कि आपको मथुरा लौट के जाना है। वहीं पे आप 2-3 दिन का स्टे कर लीजिए वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे बिहारी जी का मंदिर, पागल बाबा मंदिर और एक इस्कॉन मंदिर भी है, प्रेम मंदिर भी है, वैष्णो माता मंदिर भी है, और मतलब वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। लेकिन ये जो खास मंदिर है, अगर इनको भी आप घूमना चाहते हैं तो आप ये 2 दिन का तो मान के चलिए कि 2 दिन आपको लगने वाले हैं, तो 2 दिन का स्टे आप वृंदावन के लिए लीजिए। आपको ये फ़ायदा होगा कि आप सुबह अगर आपको 5:30 बजे मंदिर पहुँचना है तो आप उठ के फटाफट तैयार होकर पहुँच सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप मथुरा से तैयारी करेंगे जाने की, तो 20-22 किलोमीटर पहले आप चल के जाएंगे, तैयार भी होंगे, तो आपको ना तो आराम मिल सकता है ना आप टाइम से कहीं भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बस आपको घर निकलते ही मिल जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सीधे, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो भी आपसे मैं यही कहूँगी कि आप पहले होटल वहीं पे लीजिए जहाँ की आप जगह पे घूमना चाहते हैं, और एक एक जगह को आप अलग अलग टारगेट करें। जैसे वृंदावन घूम लीजिए या बरसाना घूम लीजिए, उसके बाद आप मथुरा में आइए, वहाँ पर होटल लीजिए और वहाँ पर आप घूम लीजिए। मथुरा में आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, जैसे कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में ही हुआ है, द्वारिकाधीश मंदिर वहीं पे है। तो मंदिरों की मैं बात करूँ तो कोई कमी नहीं है, आप जितना घूमेंगे घूम सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन का स्टे मथुरा में जरूर करें। तो हर एक जगह में
आपको मैं यही बोलूँगी, होटल अलग अलग जगह के लिए बुक करें, ना कि आप किसी के कहने सुनने से सिर्फ मथुरा में सीधे होटल बुक कर लें, तो आप अच्छे से दर्शन नहीं कर पाओगे और आपकी थकान से इतनी बुरी हालत हो जाएगी और टाइम पे आप किसी भी जगह नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप बताइए आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई है या नहीं हुई है। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ नॉलेज है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपकी कोई क्वेरी नहीं है, आपको कुछ इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप राधे राधे ज़रूर लिखें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोज ऐसी ऐसी यहाँ पे मिलते रहें, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। और वहीं पे जो भी कृष्ण भक्त है और जिनके मन में थोड़ी भक्ति जागी है, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं पैदिन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में। बाय बाय।